अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अब आपको मेरे ब्लॉग्स जो हैं कुछ दिन यहीं के नज़र आएंगे। भाई मैंने कहा कि हमें भी रेस्ट चाहिए, अब हमारी भाभी घर आ गई हैं तो कुछ दिन के लिए सिस्टर के घर रहने के लिए आई हूँ मैं। और यहाँ पे बस अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, तो बस चाय अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर मेरी प्यारी सफ़ा खड़ी है। हाय जान, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, कपड़े निकाल के बैठी। ब्रश करने लगी हो? यस। सही है, मेरी बेटी सुबह स्कूल जाएगी। यस। अच्छी बात है। आप चाय पियेंगे आप? यस, लेकिन मुझे थोड़ा, मैं भी आपकी तरह थोड़ी सी चाय पीती हूँ। अच्छी तरह से चाय पक जाए। चाय रखते हैं डिश में और सबको सर्व करते हैं। चाय का कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पे दूध जो है ना वो खालिस है, इसीलिए चाय का कलर जो है ना इतना अच्छा आया है। चलो भाई चाय उठाएं। फ्री चाय। इधर ना बाजी थोड़ा सा फरी की अलमारी सेट कर रही हैं, क्योंकि आज है संडे और बाजी को छुट्टी थी, तो इसलिए फिर बाजी भी साथ आ गई थी। और बाजी फरी की थोड़ी सी अलमारी सेट कर रही हैं। एक्स्ट्रा दुपट्टे थे पड़े हुए, वो भी बाजी तय लगा के रख रही हैं। चलो लगाते हैं, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। सफ़ीर जो है अपनी पतंग के लिए, अपनी पतंग को रेडी कर रहा है उड़ाने के लिए। तो ये हमारा त्यारा जो है ना उड़ने के लिए तैयार हो गया है ना सफ़ीर। अभी ये उड़ेगा। सफ़ीर बहुत ज़्यादा शौक से पतंग, और वो नहीं होते कुंचे कंचे या पता नहीं बांटे बोलते हैं, वो भी बड़े शौक से इसकी ये पसंद की दो खेले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अलमारी सेट हो रही है, जिस जिस के कपड़े हैं सफ़ा और बाजी सेट कर रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा दुपट्टों की कलेक्शन है फरी के पास। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलरफुल दुपट्टे हैं, तो सारे बाजी ने सेट कर दिए हैं। कुछ तो पहले ही सेट थे, लेकिन जो थोड़े से रहते थे वो बाजी ने सेट करके रख दिए हैं। अब ये हैं धुले हुए कपड़े। अच्छा, धुले हुए कपड़े हैं सारे, इनको तय लगाएंगे। तो चलो लगा लेते हैं तय। इधर ना सारे जूतों का जो रैक है ना वो नीचे है, और अभी हम लोग ये वाले जूतों का जो सारा रैक है उसको साफ़ करके अच्छे से सारे जूते जो है ना वो ठीक तरह से रखेंगे। और यहाँ पे सफ़ा रख रही है सबके जूते, और सफ़ा को बहुत इंटरेस्ट है घर की चीज़ों की सेटिंग करना। तो सफ़ा जाओ खाला को ला के दो। सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, और मेरी अपनी अलमारी सेट कर रही है। आज मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो के, हाँ ना, तो बच्चे ये वो वाले कपड़े हैं ना जो यूज में नहीं है। हाँ, जो इस्तेमाल में नहीं है, फिर मुझे समझ नहीं आती मैं क्या यूज वाले ऐसे यूज वाले। तो सारे कपड़े इस वाली अलमारी में होते हैं ना, ये वो वाले कपड़े हैं जो मतलब कुछ इसमें सर्दियों के कपड़े हैं कुछ इस तरह से, इसलिए इनको बस रखा हुआ है। ज़्यादा इस्तेमाल वाले कपड़े जो है ना वो इधर होते हैं दूसरी अलमारी में। हाँ रख दो। बस अब अच्छे से सारे कपड़े सेट वेट हो जाए। ये जो है इनके वो एक साइड पे करूँगी, और जो है वो अपने और सफ़ा के जो है मैं उस वाली अलमारी में कर दूंगी। इधर होते हैं इरफान साहब के कपड़े इस अलमारी में, और कोई जो मानी के एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होते हैं वो होते हैं, और सफ़ीर के होते हैं। सही है। तो बाकी जो मेरे और सफ़ा के वो सारी अलमारी मेरे और सफ़ा की है। ठीक है। आज बनाना है साबूदाना। कल मैंने दलिया बनाया था, आज साबूदाना बनाना है। तो इसको वैसे मैंने कभी भी ज़िंदगी में साबूदाना नहीं बनाया, तो चलो देखते हैं किस तरह का बनता है।
साबूदाना जो है ना इसको अच्छी तरह से धो के भिगो दिया है। बस अभी इसको थोड़ी देर भीगा रहने देते हैं और इसको जो है ना ऊपर से ढक देते हैं। बाहर जो है ना पानी का छिड़काव हो रहा है क्योंकि शाम के टाइम पे ना हवा चल पड़ती है और मट्टी हाय 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 हादसा होने लगा था और वीडियो बनाते बनाते ना ये गेट जो है ना हवा के साथ आया, कसम से मैं बच गई हूँ। बस यहाँ पे पानी का छिड़काव हो जाएगा, हवा बहुत मज़े की चल रही है। इस तरह से गेट कभी आगे को आता है कभी पीछे को, ओए होए होए होए। तो बस ये पानी का छिड़काव हो जाए तो फिर यहाँ पे चारपाई बिछाएंगे और हम लोग बैठेंगे। ना मैं साबूदाना बना रही हूँ। साबूदाने को क्या किया था मैंने, भिगो के रखा था ना, तो अब मैंने क्या किया है इसको मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। बस इसमें पानी डाल के हम इसको पहले बॉयल करेंगे फिर उसके बाद इसमें दूध और चीनी डालेंगे। तो जी काम वाम ख़त्म हो गया है और अब आ गई है बारी शाम के खाने की। मैंने रख दिया है साबूदाना पकने के लिए और यहाँ पे फरी जो है ना बना रही है सब्ज़ी। फरी भी पहले छील के बनाती थी, मैं भी अब छील के नहीं बनाती हूँ बैंगन, तो फरी भी आज ना बिना छीले ही बैंगन काट रही है। तो बैंगनों के साथ ये बड़ा मसला निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलते हैं ऐसे कीड़े वीड़े ना, ये देखिए कितने ज़्यादा ख़राब निकले हैं इस तरह का ना, ओहो कितने सारे बैंगन खराब निकले थे। 1 किलो बैंगन थे और 1 पाव निकले हैं मेरा ख्याल, ना 1 पाव निकले हैं बस। अच्छा यहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं अपना साबूदाना पकने के लिए रख के आई हूँ, बाजीरम यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं, भाई इरफान पता नहीं क्या कर रहा है, पानी का छिड़काव वगैरह करके अब यहाँ पे फ्री टाइम बैठा है, फरी सब्जी काट रही है। तो मिलजुल के सब लोग काम कर। बस जी मैं सहन में बैठी हूँ और अभी बस किचन में जाऊँगी, साबूदाना थोड़ा सा बन जाए तो फिर ही जाऊँगी। वो देखे कितनी सारी बकरियाँ, बकरिया नहीं गाय, गाय उसको गाय कहते हैं, गाय। माला झूठ रहा है। 1680 रुपए यार। संडे है ना तो आज बाजी ने थोड़ा सा अपना करना होता है बेटे, वो 2-3 दफा वीडियो खराब होगी ना, तो अभी बाजी कलर करेंगी और सफा पूरी पूरी हेल्प करवा रही है हर काम में। मेरी शहजादी है तो बाजी अब ये लगाएगी अपने बालों में। सनी दे इधर मुझे। अच्छा मैं बोलूँ आपके ब्लॉग में या आप? हाँ, बोलूँ? अच्छा मैं आलिया बना रही है साबूदाना, और साबूदाना होता है कि साबूदाना दोनों? अच्छा साबूदाना बना, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी ना तब ये साबूदाना होता था, अब कहते हैं साबूदाना। अच्छा आलिया बना रही है साबूदाना, आज हम लोगों का बहुत दिल था खाने को कुछ मीठा, तो जल्दी में मतलब हम लोगों ने सोचा कि क्या, तो बहुत अरसा पहले हम लोगों ने ना ये बना के खाया था, तो दिल था हाँ कि चलो बना के ना कोई मीठा खाएं, और फिर हमने ये सोचा कि साबूदाना जो है इसको बनाते हैं। तो आलिया बना रही है और मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि ये आलिया ने टोटल सारा जो है इसको बनाया। पहले इसको पानी में थोड़ा सा, हाँ पहले हम लोगों ने ना कुकर में रख दिया, शायद पता नहीं कितना ये टाइम लेगा, और फिर वो ख़राब हो गया, फिर दोबारा मंगवा के उसको पानी में 2-3 बॉयल उसके करवा के ना, तो फिर हमने दूध और चीनी डाल दिया। अब ये देखें गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छा जो है ये बन रहा है, और साथ में मैं बना रही हूँ चम्मच हिलाते, हाँ क्योंकि नीचे बहुत लग रहा है, और मैं बना रही हूँ साथ में बैंगन का सालन, आलू बैंगन, और आलिया इधर बना रही है साबूदाना। तो चलिए फिर ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये किस तरह का बना है।